ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक बाबा जी के बारे में। बाबा जी ने थोड़ा ना केस को लेके कुछ बोला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको काफ़ी बढ़िया समझ में आएगा। तो केस के फैक्ट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ना वीडियो थी, मैं आपको लगा दूंगा, देख लेना आप वीडियो में। पहले देख ही लो यार, तुम इधर उधर आ रही होगी। 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए, नहीं या आपने बुरे प्रारंभ समझ कर नहीं करना नहीं चाहिए। बुरे प्रारंभ समझ के नहीं है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ, तब तक ऐसा नहीं होगा। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको, उसको पवित्र होने दो। केस इस मन पर होना चाहिए जिसने केसों के खिलाफ कार्य किया है। बोले वो ऑपरेशन हुआ, बोले उसमें अमुक यंत्र भूल गए। वो इतना प्रवीण डॉक्टर कैसे भूल सकता है? वो बेचारा डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र था। मेरा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठ करके ऐसी त्रुटि देखनी। तो यार देखो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये बाबा जी दरबार लगाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी। तो वहाँ पे कोई आया होगा इनका भक्तजन, तो उसको क्या हुआ, उसका कोई ऑपरेशन हुआ। अब डॉक्टर ने क्या करा, ऑपरेशन की ना कोई गलत नस काट दी। अब वो गलत नस काटने के चक्कर में 2-3 ऑपरेशन और करने पड़े। कहने का मतलब 2-3 और ऑपरेशन करने पड़े। ये कहते हैं ना, एक सच को छुपाने के लिए 2-4 झूठ बोलने पड़ते, तो वो वाला काम करा उन्होंने। तो अब क्या हुआ, अब उसको नुकसान हुआ, पेमेंट मतलब दर्द हुआ, पैसा गया 3-4 ऑपरेशन। क्योंकि यार देखो, तुम पता है इंडियन सोसाइटी है, ऑपरेशन का बहुत पैसा लगता है, लाख 2 लाख जितने भी लगे होंगे। 3 ऑपरेशन और कर दिए। तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए, नहीं जो मैंने पीड़ा झेली। तो यार देखो, अब बाबा जी कहते हैं कि नहीं, आपको केस नहीं करना चाहिए, ये आपके कोई पुराने जन्मों के वो हैं। तो अब यहाँ देखो यार, क्या लॉजिक है, तुम खुद सोचो। ऐसे अगर ऐसा होगा, पहली बात तो ना यार, तुम रूल ऑफ लॉ वाली कंट्री में रहते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। अभी कल ही ना 26 नवंबर था, हाँ कल तो सबने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, ठीक है, कि भाई संविधान दिवस है हमारा, ये है वो है, तो उसको फॉलो भी करो ना। लॉ गिव्स यू राइट ना। अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है ना देश, कल तो सब बना रहे थे, चीफ जस्टिस साहब भी मना रहे थे, सब मना रहे थे, मतलब इंडिया में 26 नवंबर को सब मना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो उसको ग्राउंड लेवल पर भी तो यूज़ करो नेताजी। अब वो बंदा उस बाबा जी से पूछ रहा है मैं केस करूँ या ना करूँ, और वो बाबा जी कह रहे हैं कि कोई केस मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे कोई पुराने कर्मों के फल हैं। ऐसे करके कुछ लॉजिक दिया था। अब एक बात ताओ, ऐसे तो फिर किसी के ऊपर कोई भी हो रहा होगा, वो यही बोल दो पुराने कर्मों के फल हैं, बस झेल रहे हैं हम। मान लो ऐसे तो कोई वाइफ है, वो पिट रही है ससुराल में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर क्रुएल्टी हो रही है, तो वो ये सोच के बैठ जाए यार ये तो मेरे कोई पुराने कर्मों के फल हैं, इसलिए मैं पिट रही हूँ, इसलिए मेरे को मार रहे हैं। फिर तो कोई लीगल एक्शन ले ही ना, फिर तो पिटते रहो, झेलते रहो। अरे बाबा जी, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, लड़के घुत के सब कुछ करा ना हमने, है ना, पढ़ा नहीं क्या? नरम दल, गरम दल, भगत सिंह, सरदार, वो पढ़ा नहीं क्या? भगत सिंह था, उधम सिंह था, थे ना ये, फिर कैसे लिया था, लड़े ही तो थे नेताजी। हैं, ऐसे तो हम ये सोच जाते कि यार हम तो गुलाम किस्मत में लिख रहे हैं, हम तो गुलाम ही रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, नहीं ना, लड़े ना फिर। और एक बात हो, तुम डॉक्टर के लिए इतनी वो दे रहे हो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं ना बाबा को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बाबा के कंटेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है। अच्छे हैं बाबा जी, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी अच्छी सलाह भी देते हैं, ऐसी नहीं है, बढ़िया सलाह देते हैं। लेकिन ये तो नहीं हर कुछ जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा, थोड़ा तो लॉजिक यूज़ करो ना। और इंसानों, तुम भी तो यूज़ करो ना, जो तुम देख रहे हो, जो वहाँ जा रहे हो, तुम भी तो यूज़ करो यार। मतलब उस पर केस नहीं करना, जो तुम्हारा डैमेज वो खर्चा हुआ है, पानी हुआ है, वो कहाँ से आएगा? नेक्स्ट थिंग, अब एक बात आओ, कोई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, तुम कभी भी जाना डॉक्टर के पास, क्या वो अपना 1 रुपये छोड़ता है? हाँ या ना? कमीशन पे कमीशन चलते हैं, तुमने कभी देखा होगा, ये मेडिकल इंडस्ट्री पढ़ी होगी तुमने, कमीशन पे कमीशन चलते हैं। इवन ऐसे ऐसे ड्रग्स देते हैं, बंदा ना लत लग जाती है। कभी तुम साइकेट्रिस्ट के पास बैठना, उनके पास पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स देते हैं वो मरीज को, वो ना एडिक्शन कर देते हैं। उनको पता है कि एक बार इसको एडिक्शन होगी, फिर ये दवाई लेगा ही लेगा। अब बताओ, वो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ रहे, और तुम यहाँ कह रहे हो कि कोई नहीं, उसने हो गया हो गया, अब उसको तुम्हारे पुराने कर्म में छोड़ो। भाई वाह भाई वाह बाबा जी, भाई ऐसे तो फिर जितने भी रेप हो रहे हैं पुराने कर्मों को मान के छोड़ दो। फिर ये क्यों बना रखा है, ये पोक्सो एक्ट बनाया है जो इंडिया में, ये बनाया रेप केस बनाया है, जितने भी प्रोविजन बनाए सबको हटा दो। फिर तो बाबा जी की बात ही सही है, भाई पुराने कर्मों से हो रहे हैं। अरे बाबा जी, ये सब हादसा है, और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है भाई, किसी के साथ भी, तुम्हारे साथ भी तो हो रखा है, तुम्हारी भी तो किडनी काम नहीं कर रही, तुम भी तो डॉक्टर के पास जाते हो। एक वो मास्टर है, पता नहीं कौन से, वो हाँ एक मास्टर है, वो कह रहे हैं कि बाबा जी तो चले गए, ये तो कोई इनके अवतार हैं, अवतार हैं, और बोल रहे हैं कि 15 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, किडनी खराब हो गई है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, मतलब पता नहीं। मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए, दोनों किडनी फेल है, 15 साल से दोनों किडनी फेल है, और सर्वाइव कर रहे हैं बिना दवा के, ध्यान साधना। आज आप टाइप करिएगा
यूट्यूब पे प्रेमानंद महाराज। यहाँ जब मैं 11 साल का था तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक दिन तो अम्मा मर जाएंगे, एक दिन पिताजी भी मर जाएंगे, यहाँ तो कोई कभी भी मर सकता है, जो जाने वाला जगत है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो परमानेंट मेरे साथ रहे, और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। यार और कौन से यूपीएससी एस्पायरेंट इनको देख रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कि भांग पी के देख रहे हो क्या तुम इनको। और बाबा जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरा डायलिसिस होता है ऐसे ऐसे, उन्होंने एक वीडियो में बनाया, लो देख लेना, तो मैं वीडियो लगा दूंगा देख लेना। डॉक्टर्स है, हमें यही नहीं समझ में आता कि मैं बाहरी पूछ रहा था कि आप कितनी देर इनको आराम करने देते हैं। हमारे यहाँ के जो मरीज हैं उनकी डायलिसिस शुरू होती है तो हमें बताएं क्या आपकी मतलब। हम 1:30 बजे रात्रि के उठ जाते हैं और ये 9:15 बजे तक ये चलेगा, इसके बाद जाके एक रोटी पाएंगे, एक डेढ़ पा पाते हैं और तुरंत डायलिसिस में चले जाएंगे। 4.5 घंटे डायलिसिस में होता है, 4 घंटे का डायलिसिस, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद वो प्रोसेस। फिर इसके बाद जो कमजोरी होती है उसको 8 बजे रात्रि तक भोगते रहते हैं, फिर लेटे 1:30 बजे फिर जग जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी हिम्मत ये है कि आप हम लोगों से मिल जाए, हम क्या इन्फेक्शन लेके आ जाए बताओ। तो भाइयों और बहनों अपना लॉजिक यूज़ करो, इन बाबाओं के चक्कर में पढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि तुम सब कुछ इनको ही त्याग दो, ये कर दो वो कर दो, कि बाबा मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। अपना बुद्धि यूज़ करा करो। और लोग कहते हैं चमत्कार, यार एक बात तुम्हें चमत्कार पता है क्या, चमत्कार वो है जो तुम्हारी बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है ना वो चमत्कार है। तुमने देखा होगा हम जब छोटे से होते ना मेले में जाते थे, मेले में ना जादू वाले वो दिखाते थे, गैजेट्स होते थे छोटे मोटे, तो पहले जादू दिखाता था कि देखो देखो, हम कहते थे अरे यार क्या जादू है, फिर जब उसको खरीदते थे ना वो पीछे ले जाता था, वो ट्रिक बता देता तो देख ऐसे ही है ऐसे होगा, तो ट्रिक पता चल जाती थी, फिर हमारे माइंड में आता है यार ये तो ट्रिक है ये जादू क्या है। तो सिमिलरली वही है, तो भाई सब कुछ ट्रिक है, ठीक है, सबका किसी ना किसी चीज़ का लॉजिक है, तो तुम अपनी बुद्धि यूज़ करो। और रही बात उसकी, भाई केस फाइल करो, अपना डैमेजेस लो उससे, ठीक है। 3-3 ऑपरेशन करें हैं, कल को मान लो तुम्हारी डेथ हो जाए, तुम्हारे घर में 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, उनको खिलाने वाला डॉक्टर आ जाएगा क्या पैसे देने? नहीं आएगा, वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, तो फिर विक्टिम कौन बना? विक्टिम तो तुम बने ना। और बहुत बार क्या होता है, मान लो किसी टीचर ने पीट दिया, ठीक है, बच्चे को टीचर ने मार दिया, अब लोग कहेंगे यार कोई नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी तो मारते भी हैं पीटते भी हैं। अरे भाई पहले गुरुजी से पहले वो एक इंसान है, ठीक है, इंसान ह्यूमन, अगर उसने मारा है ज़्यादा मारा है तो उसको सज़ा दिलवाओ, ठीक है, लीगल एक्शन लो, बेशक कितना बड़ा टीचर हो। और वैसे भी ना CBSE हो गया, HBSE हो गया, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, इनमें कोई रूल नहीं है कि तुम फिजिकल वो कर सको। अगर मान लो किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या कुछ नहीं किया तो तुम उसको मार नहीं सकते, यानी कि फिजिकल अब्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन जजेस होते हैं ना वो भी नहीं किसी को फिजिकल वो कर सकते, उनके पास भी अथॉरिटी होती है पनिशमेंट की, ठीक है, समझ रहे हो। सब किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ना सोचो कि भाई आ गया मतलब बाबा जी कुछ भी मतलब। और जो लोग देख रहे हैं वो ही पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं कौन सी बुद्धि लेके बैठे हैं यार, हैं हद हो गई। तुम पूछ भी किससे रहो, अरे तुम वकील से पूछो भाई मैं क्या लीगल एक्शन लूँ और कैसे लूँ, फिर बताएगा तुम्हें ये लो है भाई, ये तुम्हें रेमेडी मिलेगी, इतना तुम्हें डैमेज मिल जाएगा। कमाल कर रहे, बताओ यार, थोड़ी बहुत तो बुद्धि यूज़ करो। हैं, रिलीजन इज़ ओपियम टू द मासेस, समझ रहे हो, रिलीजन नशे का काम करता है लोगों के लिए, नशा में वो सब भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं है। और बाबा जी एक बात हो, जितने क्राइम हो रहे हैं फिर तो यार एक बात हो, ऐसे तो जितनी भी लड़कियां पिट रही होंगी अपने ससुराल में या कहीं भी, फिर वो ये सोच के बैठ जाएं भाई हमारी किस्मत में था ये था वो था, फिर तो झेलते रहे सब, फिर तो कुछ करे ना कोई, सब मतलब बैठ जाओ अपने, कोई तुम्हें मार के चला जाए कुछ भी करके चला जाए, फिर बैठे रहो तुम। वाह भाई वाह, वेयर द लॉजिक गोज, लॉजिक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ भी, कमाल करते। अभी बाबा जी तुम्हारे ऊपर कुछ हमला हो गया या कुछ भी हो गया तुम क्या करोगे, लीगल एक्शन ही तो लोगे, हैं लोगे ना, जो तुम्हारी जो अथॉरिटी है लेंगे ना एक्शन लेंगे ना, सीधी बात, तो फिर उनको भी बोलो ना लीगल एक्शन लो। भाई अगर किसी के साथ दिक्कत होती तो सिंपल सी बात है भाई लीगल एक्शन लो, और रेमेडी क्या है। अब तुम रूल ऑफ कंट्री में रहते हो, रूल ऑफ लॉ वाली कंट्री में, रूल ऑफ मैन में तो नहीं रहते, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, तो डेमोक्रेटिक कंट्री की ब्यूटी यही है कि तुम लीगल एक्शन ले सकते हो। तो भैया लीगल एक्शन लो, क्योंकि यार देखो डॉक्टर अपना एक रुपया नहीं छोड़ता। तुमने वो गब्बर मूवी देखी होगी ना अक्षय कुमार वाली, तो बाबा जी तुमने भी देखी नहीं, देखी होगी तो देख लेना, उसमें सब कुछ सच दिखाया गया है। डॉक्टर साहब अपना एक रुपये नहीं छोड़ते, एक रुपये नहीं छोड़ते अपने ऑपरेशन के, अपने सब कुछ, मतलब सबसे ज़्यादा कहते हैं डॉक्टर ही लूटता है देखा जाए तो। एक वो शायरी थी ना कि हमें तो ये झोला छापों ने बचा रखा है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर है ना इन्होंने तो गरीबों को लूटा हुआ है, ऐसे एक शायरी है, और वो बात सच भी है, ठीक है। तो बहुत वो चलता है यार, बताने बैठ जाऊँगा ना तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी बहुत ज़्यादा। तो भाई इन बाबाओं की इतनी बातों को ज़्यादा वो मत करो कि हाँ ये पत्थर की लकीर नहीं है। और पता है इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो इंसान को भगवान बना देता है।
भगवान है अलग चीज़ है, वो अलग लेवल की बात है, लेकिन इंसान 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 है वो, इंसान को तुम भगवान बना रहे हो। और ये बाबा जी वैसे बोलते हैं ना कि अपने माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो, मतलब बोलते हैं अच्छी बात है ठीक है। तो बाबा जी तुम, मैंने सुना था कि तुम भाई 13 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गए थे, तुमने क्यों नहीं फॉलो करा? वो है ना कि दूसरों को तो ज्ञान पेल देते हैं, खुद फॉलो करते हैं नई चीज़ें। तो भैया अपना लॉजिक यूज़ करो, पढ़ी लिखी बुद्धि यूज़ करो, ठीक है, लॉजिक लॉजिक यूज़ करो लॉजिक। कल को यार देखो किसी के साथ कुछ भी होता है लीगल एक्शन लो, सीधी सी बात है ठीक है। अगर ऐसे रहने लग गए ना, ऐसे सोचने लग गए, फिर तो तुम अपने आप को वीक बना लोगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ना ऐसी मेंटेलिटी वीक बना देती है कि यार कोई लीगल एक्शन नहीं लेना, बस मेरी किस्मत है, क्योंकि फिर ना बंदा सेल्फ डाउट करने लगता है कि मेरी किस्मत है, मैं ये ऐसा है, फिर वो भगवान से और नाराज़ हो जाता है। मैं तो मैं सही बताऊँ, भगवान से नाराज़ हो जाता है कि भगवान तूने, मतलब फिर वो ना सब चीज़ भगवान पे डालेगा, अरे भगवान तूने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कर दिया। अरे भाई अब मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो वो लीगल एक्शन लेना कुछ करे ना, अब मान लो मेरा कोई हाथ में काट देता है या कुछ कर देता है तो मैं क्या करूँगा, उसको लेके बैठा रहूँगा, ये भगवान तूने क्या कर दिया क्या कर दिया। मैं लीगल एक्शन लूँगा ना, लीगल एक्शन लूँगा, मेडिकल लूँगा या जो भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लूँगा ना। तो तुम भी बुद्धि यूज़ करो ना यार, समझ रहे हो? ओके, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, समझ रहे हैं समझो, नहीं तो भैया जय राम जी की।